नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी आप सभी के लेके आया हूँ। सर्वप्रथम तो EMRS फेज वन 2023 में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सभी का भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और फेज वन की वैकेंसी बिल्कुल अंतिम चरण में है। बहुत सारे बच्चे GSC के लिए इंतजार कर रहे थे कि सर GSC, एक तो स्किल टेस्ट काफी लेट हुआ, अब सबकी ज्वाइनिंग भी हो गई, सबका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, आखिर हम जेएससी वाले बच्चों का क्या होगा। तो भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, EMRS ने जैसा कि मैं आपसे बोला था कि वो जून तक हर हाल में सब कुछ कर लेंगे। आपके DB की डेट आ गई है, अभी नियरेस्ट, अभी लेटेस्ट अगर बोला जाए तो तीन नोटिफिकेशन 1 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को EMRS ने दिया है। और इससे पता चलता है कि EMRS फेज वन की वैकेंसी को कितना जल्दी क्या कर रहा है, कितना जल्दी वाइंड अप कर रहा है, कितना जल्दी उसे समाप्त कर रहा है, और फेज टू की तैयारी उसकी बहुत तेजी से है। तो सभी लोग भैया फेज टू से आज से ही लग जाओ, वरना आप लोग बहुत पछताओगे। जितना ज्यादा समय आप गवा दोगे उतना ही पीछे चले जाओगे। बच्चे ऑलरेडी 1 महीने से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जेएससी के लिए क्या है, पहली बात तो आया था कि क्लिकर डाउनलोड अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर। ये अपॉइंटमेंट लेटर जो आया था ये जेएससी वाले पद और प्रिंसिपल वाले पद को छोड़ के बाकी सारे पद के लिए ये यहाँ पे जारी कर दिया गया था अपॉइंटमेंट लेटर। दूसरा आया था कि आपका इंस्ट्रक्शन क्या है इस ज्वाइनिंग लेटर को लेके, कैसे जाके आपको जो स्कूल अलॉट हुए हैं उस स्कूल में कैसे जाके ज्वाइनिंग करना है। तीसरा, जो जेएससी वाले बच्चे थे, जो अभी ताजा ताजा 4 जून को ये आया है कि जेएससी वाले बच्चों का कब आखिर DV होगा, तो उनके DV का यहाँ पे आ गया। इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिस ओपन होके आएगी, और इस नोटिस में साफ साफ इन्होंने लिखा है कि 11 जून से, कब से, 11 जून से जो जेएससी वाले बच्चे हैं उनकी DV होनी है। उसके बारे में उन्होंने बताया है कि क्या क्या आपको लेके आना है, क्या क्या आपको नहीं लेके आना है, किस गेट से एंट्री करना है, ये तमाम चीजें। ये शायद अभी ओपन नहीं हो रहा है, एक बार हम इसे ओपन करके दोबारा से देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। ठीक है, अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, चलिए अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक PDF ओपन होके आएगा और इसमें सारी जानकारी दी हुई है। एक बार थोड़ा सा वेट करके इस PDF को हम लोग देखते हैं ताकि ये ओपन हो जाए और सही से हम लोग इसे देख पाए। ठीक है, ये वो PDF है, ये वो PDF है, और इसमें पूरा पूरा दिया गया है कि ESSE 2023 जो 24/1/2024 को क्या हुआ था, इसके रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। इसमें अगर देखा जाए तो जेएससी के जो बच्चे हैं इनके स्किल टेस्ट भी हो चुके हैं, और अब 11/6/2024 से इनका क्या कर दिया गया है, इनका DV शेड्यूल कर दिया गया है। और एनेक्शन वन में उन बच्चे, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं DV पास हुए, उनकी सारी लिस्ट है। या आप एक बार अपने रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, और सभी लगभग सारे बच्चों का 11 जून को ही है, कोई और डेट नहीं है। ये लगभग 700 बच्चे हैं, कुछ बच्चे आपके 12 जून को भी हैं, और अगर देखते हैं यहाँ पे 13 जून को भी कुछ बच्चे हैं। तो 11, 12, 13, ये 11 जून से इन्होंने बोला था, 11, 12, 13 जून में 3 डेट है। टोटल 759 बच्चे जो होंगे वो DV देने जाएंगे, और ये बच्चे कम नहीं होते, काफी ज्यादा संख्या में होते। तो एक बार आप लोग, ये PDF आपको परीक्षा प्लस ऐप पे भी मिल जाएगा, आपको EMRS की वेबसाइट पे मिल जाएगा, परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, अपना रोल नंबर चेक कर लेंगे, और रोल नंबर चेक करके आप में से किसका कब पड़ा है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वेन्यू क्या है, वेन्यू आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRI, ये कहां पे है, ये आपका रिंग रोड ITU न्यू दिल्ली 11, ये आपका पिन कोड है, यहां पे आपको जाना है। नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो ITU है, वॉयलेट लाइन जाती है, और एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 5 है। ठीक है, यहां से आप जाओगे तो तुरंत आप NTRI पे पहुंच जाओगे, और आपका ये पूरा टाइमिंग वगैरह सब कुछ पे, हालांकि सुबह ही पहुंच जाएगा। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू, क्या क्या आपको लेके आना है, इसमें आपको पूरा एडमिट कार्ड, जो भी आपका रिटन टेस्ट का एडमिट कार्ड था और जो आपका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड था, दोनों एडमिट कार्ड लेके जाना है साथ में। इसमें आपकी कोई डेट चेंज नहीं होगी, जिसका 11 है 11 में ही, जिसका 12 है 12 में ही, जिसका 13 है 13 में ही रहेगा। इसमें क्या बोला है कि आपको क्या क्या लेके आना है, आपको ओरिजिनल के साथ साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लेके आना है। मतलब आप 3 कॉपी बनाइएगा, एक आपकी ओरिजिनल की कॉपी रहेगी, एक फाइल में आपके सारे क्या रहेंगे, आपके उसकी कॉपी रहेगी, जेरोक्स कॉपी रहेगी, फोटोकॉपी, और एक फोटोकॉपी आप लोग और बनाएगा, और जो फोटोकॉपी होगा उसे सेल्फ अटेस्टेड अवश्य कर दीजिएगा, अलॉन्ग विद 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। अब सेल्फ अटेस्टेड मतलब ये नहीं कि आप ओरिजिनल वाले को सेल्फ अटेस्ट कर दो, वो बेकार हो जाएगी, फिर ओरिजिनल वाले को नहीं करना है, जो आपकी फोटोकॉपी है उसे अटेस्ट करना है सेल्फ अटेस्ट। और सेल्फ अटेस्ट में होता क्या है, बस आप लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, नीचे डेट लिख देना, काम खत्म। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है कि आपको किसी अधिकारी से नहीं परिमाण उसको प्रमाणित करवाना है, आपने खुद वेरीफाई कर लिया कि भैया हम अपने सारे ओरिजिनल लगवाए हैं, इसी को सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं
मैट्रिकुलेशन, इसमें क्या बोला मैट्रिकुलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटीज और एसएसएलसी स्टैंडर्ड 10, आपको दसवीं का मार्कशीट या फिर दसवीं का सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक, वैसे आप दोनों लेके जाइएगा ये ज्यादा बेहतर है। ऑल अदर सर्टिफिकेट, इसके अतिरिक्त जो भी आपके सर्टिफिकेट है, जैसे डिग्री हो गया कोई, अगर आप हायर डिग्री मास्टर डिग्री किए हो या फिर डिप्लोमा किए हो या फिर कोई आपका एक्सपीरियंस है या फिर आप कहीं पे कार्यरत हो और उसके लिए आपने क्या किया एनओसी बनवाया है, तो वो सारी ही चीजें आपको लेके जाना है इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ में आपको अगर किसी कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट किससे इश्यूड बाय कंपीटेंट अथॉरिटी शुड बी इन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफर एडवर्टीजमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम विजुअली ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साफ साफ क्या केंद्र वाला मांगा है वो लेके जाना है, जिसका अगर नहीं केंद्र वाला होगा तो वो जो सर्टिफिकेट इन्होंने एनेक्शन में किया था कोई उस पर भी बनवाया हुआ है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा उस पर भी काम चल जाएगा, बस कंपीटेंट अथॉरिटी के साइन होने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। छह आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ एक पैन ले लीजिएगा, ड्राइविंग डीएल हो तो डीएल ले लीजिएगा, वोटर आईडी कार्ड हो तो वो ले लीजिएगा, किसी के पास पासपोर्ट हो तो ले लीजिएगा, वरना आधार सबके पास बना होता है, आधार लेके चले जाइएगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई आपको और डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो इन सपोर्ट ऑफ द वो आप लेके जा सकते हो, कोई ट्रेवल एक्सपेंसेस आपको नहीं दिया जाएगा। इन्होंने टाइमिंग नहीं बोला है लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप एक दिन, जैसे जिसका 11 है एक दिन प्रायर आप लोग चले जाइएगा, एनटीआरआई देख लीजिएगा और सुबह 9 बजे कम से कम वहां पे पहुंच जाएगा, ऐसा ना हो कि टाइमिंग नहीं दिया तो 1 बजे पहुंचे 12 बजे पहुंचे और फिर आप लोग सेलेक्ट होके भी बाहर हो जाए। तो ये जैसे वाले बच्चों के लिए था, फाइनल इनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन भाई आप लोगों को। बाकी फेज वन की वैकेंसी लगभग कंप्लीट है, लगभग क्या पूर्णतया ही कंप्लीट है और फेज टू की वैकेंसी बिल्कुल आपके दरवाजे पे, तो ईएमआर वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग रिस्क मत लो, बिल्कुल अपना समय जाया मत करो, बिल्कुल समय बर्बाद मत करो। टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स चलाती आ रही है, आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके इसे क्या कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, आज रात के 12 बजे से सारे कोर्सेस पे बहुत बंपर ऑफ आने वाला है, बहुत बंपर ऑफर आने वाला है। कारण क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप लोग इतना समझो कि आज रात के 12 बजे से और कल रात के 12 बजे तक 24 घंटे के लिए आपके पास बहुत बेहतरीन ऑफर आने वाला है। तो आप चाहे ईएमआरएस कोई भी कोर्सेज पे आप जाओगे, आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, आप ईएमआरएस के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो ईएमआरएस में हम लोग टीजीटी जो आपके टीचिंग के चल रहे हैं, टीजीटी आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, ये आपका साइंस हो गया, एसएसटी हो गया और आपका क्या हो गया कॉम्बो भी आपका हो गया, ये सारे कॉम्बो में हम आपको क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्बो में टीचिंग नहीं है, कॉम्बो नॉन टीचिंग का है, कॉम्बो नॉन टीचिंग में आपको जीएसए, लैब अटेंडेंट और हॉस्टल वार्डन, इन तीन बैच का क्या है कॉम्बो है, वार्डन, लैब अटेंडेंट, जीएसए और टीजीटी पीजीटी का जो कॉमन वाला पार्ट है वो कॉम्बो है भैया, सब्जेक्ट वाला पार्ट कॉम्बो नहीं है और इसमें ग्रुप सी वाला भी है, ठीक है। तो इतने का कॉम्बो आपका मात्र अभी 1599, लेकिन एक बहुत बढ़िया ऑफर आने वाला है रात के 12 बजे, तो आप लोग आज रात के लिए तैयार रहिएगा, बहुत जबरदस्त खुशखबरी मिलने वाली है। अभी ये आपके 699 चल रहे हैं लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये फ्री लगने लगेगा, इतना बढ़िया ऑफर आने वाला है, तो सभी लोग रात के लिए तैयार रहना। ये हमारे इसके लिए हम लोग इतना कोर्स चला रहे हैं, ये आप कहां से परचेज कर सकते हो, या आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, परीक्षा प्लस ऐप, ये परीक्षा प्लस ऐप है ना, परीक्षा प्लस देख लो, इसे आप डाउनलोड करोगे और आप क्या कर सकते हो, इससे कोर्स से जुड़ सकते हो। तो उम्मीद है ये हमारे बंधु फिर से जुड़ेंगे, फिर से एक बार विश्वास जताएंगे परीक्षा प्लस पे और हम लोग बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।